नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अप्रैल 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे देखो, दो तीन पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन से संबंधित हैं, उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो फर्स्ट फेज के जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए, वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पॉइंट्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल, ब्लैक होल की पहली बार इमेज ली गई है, साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था जलियांवाला बाग का इशू, 100 साल पूरे हो चुके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को, तो उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट किया जा रहा है, हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल इजराइल की राजनीति से संबंधित है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। और हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्लैक होल की इमेज के बारे में है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ब्लैक होल देखो, स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, जिनकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से लाइट भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं हो पाती, और इसी वजह से ब्लैक होल ब्लैक होते हैं और हम ब्लैक होल्स को देख नहीं पाते। देखो, किसी भी चीज़ को हम किस प्रकार से देख पाते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में एंटर करेगी और रेटिना पर इमेज बनेगी, हम उस ए ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। लेकिन सोच के देखिए, ये ब्लैक होल है, लाइट जाती है ब्लैक होल के पास, वापस आती ही नहीं है रिफ्लेक्ट होके, क्यों? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो लाइट जो गई है ब्लैक होल के पास रिफ्लेक्ट होके अगर हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी, तो हमारी आईज में रेटिना पर इमेज बनेगी कैसे, और इमेज नहीं बनेगी तो हम ब्लैक होल को देखेंगे कैसे, इसी वजह से हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते, और इसी वजह से किसी ब्लैक होल की पिक्चर लेना मुश्किल होता है। लेकिन देखो, पहली बार ऐसा संभव हो पाया है किसी ब्लैक होल की पिक्चर ली गई है, कैसे ये संभव हो पाया वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और बेसिक डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, यूनिवर्स में सभी नॉन ऑब्जेक्ट्स, चाहे लाइट का फोटोन हो, कोई स्पेसक्राफ्ट हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, कोई भी यूनिवर्स का नॉन ऑब्जेक्ट एक बार ब्लैक होल की ग्रेविटी के ग्रिफ्ट में आ गया ना, तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है, फिर वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रह जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप नहीं हो सकता है। अगर देखो, किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप होना है, तो उसको स्पीड की लाइट से फास्ट चलना होगा, लेकिन आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं चल सकता है, तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटी के गिरफ्त में एक बार आ जाए, तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकता है। और देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, मान लीजिए ब्लैक होल है, एक एग्जैक्ट पॉइंट भी है, मान लेते हैं ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है इवेंट होराइजन। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां तक तो आ सकता है, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल का नाम है एम, यहां तक तो आ सकता है, लेकिन इवेंट होराइजन पॉइंट को क्रॉस करके वो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहां से ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट जिससे आगे कोई ऑब्जेक्ट जाता है ब्लैक होल के पास, तो वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता, उस पॉइंट को कहा जाता है इवेंट होराइजन। जैसे मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, मान लीजिए लाइट का फोटोन है, फोटोन यहां पर घूम रहा है, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को क्रॉस करके फोटोन आगे चल गया ना लाइट का, फिर वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पे ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, यहां पे जाने पर लाइट का वो फोटोन ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर पाएगा, यहां तक आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवेंट होराइजन वाले पॉइंट से आगे गया तो समझ लो वापस नहीं आएगा। इवेंट होराइजन का जो पॉइंट है एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा है। तो यहां पर देखो, साइंटिस्ट ने चालाकी खेली, उनको यह पता था इवेंट होराइजन पॉइंट से आगे लाइट के फोटॉन्स गए तो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन साइंटिस्ट को यह भी पता था इवेंट होराइजन पॉइंट से पहले ब्लैक होल के चारों ओर
गैस की एक डिस्क बनती है, मान लेते हैं ये इवेंट होराइजन पॉइंट है, और इससे पहले ब्लैक होल के चारों ओर एक गैस की डिस्क बनती है, और चूंकि देखो ये गैस बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इस वजह से गैस की ये डिस्क काफ़ी ब्राइट होती है हीट की वजह से। इसे लास्ट फोटोन रिंग भी कहा जाता है। लास्ट फोटोन रिंग देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको भी पता है ये डिस्क इवेंट होराइजन पॉइंट से पहले बनती है। अगर इवेंट होराइजन पॉइंट के बाद बनेगी तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। इवेंट होराइजन के बाद तो कुछ भी जाता है वो वापस नहीं आता है, इवन लाइट ही क्यों ना हो। तो ये गैस की डिस्क इवेंट होराइजन पॉइंट से पहले बनती है और काफ़ी गर्म होती है, इसलिए ब्राइट भी होती है, लेकिन हमारी आंखें इस गैसियस डिस्क को नहीं देख पाती। एक्सरे टेलीस्कोप की सहायता से इस गैसियस डिस्क को देखा जा सकता है। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। मान लीजिए बीच में ब्लैक होल है, ये इवेंट होराइजन पॉइंट है, और इवेंट होराइजन पॉइंट से पहले ये जो डिस्क बन रही है ना, ये है गैसियस डिस्क, और इसी की इमेज साइंटिस्ट ने अब ली है। ये लास्ट फोटोन रिंग भी है क्योंकि इसके बाद फोटोन की कोई रिंग नहीं बनेगी, और इसी की इमेज को साइंटिस्ट के द्वारा लिया गया है इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। तो अब हम इवन होराइजन टेलीस्कोप के बारे में बेसिक्स जानते हैं। देखो ये जो इवन होराइजन टेलीस्कोप है ना, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है। वर्ल्ड में विभिन्न लोकेशंस पर 8 रेडियो टेलीस्कोप्स इस्टेब्लिश की गई हैं, और उन्हीं 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क है ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन ये उठता है, काम क्या है इस टेलीस्कोप का? देखो इस टेलीस्कोप को, यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को इस मकसद के साथ इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया जाए और ब्लैक होल्स की पिक्चर ली जाए। अब दो इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूं। देखो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का काम था दो ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करना और तस्वीर लेना। पहला ब्लैक होल सेजिटेरियस ए, ये मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच है। सेजिटेरियस ए ब्लैक होल, इस ब्लैक होल का मास सन के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, यानी 40 लाख गुना ज़्यादा मास है इस ब्लैक होल का एज कंपेरिजन टू मास ऑफ सन। ये तो बात हुई पहले ब्लैक होल की जिसको मॉनिटर किया जा रहा था इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। बात करते हैं दूसरे ब्लैक होल की। दूसरा ब्लैक होल जिसे मॉनिटर किया जा रहा था इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा, नाम है मॉन्स्टर ब्लैक होल। कौन सी गैलेक्सी के सेंटर में है मॉन्स्टर ब्लैक होल? देखो एक एलिप्टिकल गैलेक्सी जिसका नाम है M87, इस गैलेक्सी के सेंटर में है मॉन्स्टर ब्लैक होल, और इस ब्लैक होल का साइज जो है वो 1500 गुना ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेजिटेरियस ए ब्लैक होल जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। इससे मॉन्स्टर ब्लैक होल का साइज जो है वो 1500 टाइम्स ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी जो इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा तस्वीर ली गई है वो मॉन्स्टर ब्लैक होल की ली गई है, ना कि सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की। यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कौन से ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। आंसर होगा मॉन्स्टर ब्लैक होल। लास्ट में देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो मॉन्स्टर ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए एक अर्थ साइज की वर्चुअल टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। अब देखो वैसे अर्थ के साइज जितनी टेलीस्कोप का निर्माण तो किया नहीं जा सकता, लेकिन वर्चुअली अर्थ के साइज जितनी टेलीस्कोप का निर्माण किया जा सकता है, और इसी के लिए, इसी पर्पज के लिए 8 रेडियो टेलीस्कोप्स इस्टाब्लिश की गई थी अलग अलग जगह पे। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो कहाँ कहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप्स को इस्टाब्लिश किया गया था। बाद में इंटरफेरोमीटर की सहायता से 8 रेडियो टेलीस्कोप से आने वाली वेव्स को आपस में मर्ज किया गया ताकि ब्लैक होल की तस्वीर ली जा सके। फिर से बोलता हूँ, 8 जो रेडियो टेलीस्कोप इस्टाब्लिश की गई थी विभिन्न लोकेशंस पर, उनकी वेव्स को आपस में मर्ज किया गया इंटरफेरोमीटर की सहायता से, और इससे एक वर्चुअल अर्थ के साइज की टेलीस्कोप का निर्माण हो गया, और उसी वर्चुअल अर्थ की साइज से टेलीस्कोप ने अब मॉन्स्टर ब्लैक होल की तस्वीर ली है, और ये पहली बार संभव हुआ है कि किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर को लिया गया है। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, ये इवन होराइजन टेलीस्कोप किसकी है, USA की है, कौन से देश की है? देखो ये जो इवन होराइजन टेलीस्कोप है ना, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ की कोलाबरेशन है,
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के कोलाब्रेशन हैं, आपको इतने सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो साइंटिस्ट की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 100 साल पहले जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उसके बाद ब्लैक होल साइंटिफिक लिटरेचर में तो शामिल हो गया था, लेकिन ब्लैक होल के बारे में एज सच इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन आपको पता है, हाल ही में लीगो ने दो ब्लैक होल्स के टकराने से जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है उसे डिटेक्ट किया, और ऑलमोस्ट 50 साल पहले हिग्स बोसोन पार्टिकल को भी डिटेक्ट किया गया था, और अब ऑलमोस्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने के 100 साल के बाद ब्लैक होल की इमेज भी ली जा सकी है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंटिस्ट की। और कैटी बोमन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, इन्होंने एल्गोरिथम बनाया ताकि सभी डेटा को एक साथ रखा जा सके इस एक्सपेरिमेंट के लिए और इमेज ली जा सके। इन्होंने देखो टेक टॉक्स में बताया कि ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सफल रूप से इसलिए काम किया क्योंकि कई सारी फील्ड से एक्सपर्टीज को इकट्ठा किया गया। मतलब ऐसा कहना कि सिर्फ एक फील्ड की एक्सपर्टीज ने इसे मुमकिन बनाया, ब्लैक होल की इमेज को लेना मुमकिन बनाया, ये सही नहीं होगा। इंटरडिसिप्लिनरी, कई सारे डिसिप्लिन से एक्सपर्टीज को इकट्ठा किया गया इस अचीवमेंट के लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता थी, साइंस एंड रीजन के पावर में विश्वास की आवश्यकता थी, तभी ऐसा मुमकिन हो पाया कि ब्लैक होल की इमेज को पहली बार लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्लैक होल की इमेज के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फिलहाल आपको पता है हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, 7 फेसेस में लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा रहा है, और पहले फेस के लोकसभा इलेक्शंस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं 11 अप्रैल को। इलेक्शन कमीशन ने देखो कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने की कोशिश की है, जैसे वोटर्स को जागृत किया जाए कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक एक्टिव भूमिका निभाई है, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का सहारा भी लिया गया है। और पहले फेज के लोकसभा इलेक्शन से पहले ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास का कैश, ड्रग्स, लीकर इलेक्शन कमीशन ने पकड़ी है। मतलब इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस का यूज़ ना हो इलेक्शंस में, और गलत तरीके से कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन ना जीते, इलेक्शंस को पूरी तरह से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करवाया जाए, ये इलेक्शन कमीशन की प्राथमिकता होनी भी चाहिए और इलेक्शन कमीशन की प्राथमिकता है भी। लेकिन देखो अपोजिशन पार्टीज़ बार बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती हैं कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी का साथ देता है। देखो ये कोई नई बात नहीं है, जब भी इलेक्शन होता है तो अपोजिशन पार्टीज़ इस प्रकार का आरोप लगाती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, जैसे देखो हमारे देश में CVC की नियुक्ति होती है या फिर CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, जिसमें 3 सदस्यों का एक पैनल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, सरकार अपनी तरफ से डिसाइड करती है कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, बाद में वही इलेक्शन कमिश्नर प्रमोट होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। तो अपोजिशन पार्टीज के मन में हमेशा ये संदेह रहता है कि सरकार ने अपने ही किसी पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किया है, तो ये डाउट हमेशा रहता है अपोजिशन पार्टीज को। इसलिए अपोजिशन पार्टीज को ये लगता है कि सरकार ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर, वो सरकार की बात ज़्यादा मानेगा, सरकार के हित में ज़्यादा काम करेगा। इसी वजह से जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से आरोप तो देखने को मिलते ही हैं, नहीं फर्क पड़ता अपोजिशन पार्टी कौन है, रूलिंग पार्टी कौन है। देखो हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट करवाने में असफल साबित हुई है। सेना के नाम पर खुलेआम वोट मांगे जा रहे हैं, मुस्लिम्स को किसी पर्टिकुलर अलायंस के पक्ष में वोट डालने का आह्वान किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि कोई पर्टिकुलर लीडर चोर है
ये सब चीजें देखो गलत हैं। इलेक्शन कमीशन को देखो एक डेटरेंस क्रिएट करना होगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा इस प्रकार की चीजों के अगेंस्ट, ताकि फ्यूचर में कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना करें। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में कुछ कड़े फैसले भी किए, जैसे प्रधानमंत्री के नाम पर जो बायोपिक थी या फिर टीवी सीरीज थी उसको बैन लगा दिया। ये देखो अच्छा है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इवन जो लिमिट है कि एक कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शंस में 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, इस लिमिट को खुलेआम क्रॉस किया जाता है लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाता। इवन देखो कैंडिडेट मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है इस चीज़ पर लिमिट है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च करे इस चीज़ पर कोई लिमिट है भी नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने दो इश्यूज पे फोकस किया, पहला ब्लैक होल से संबंधित इशू और दूसरा इलेक्शन कमीशन से संबंधित इशू। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।